Hello everyone, hope you all are safe and sound at your homes. As you all know, 28 July is World Hepatitis Day. So today we have Dr. Lafage amongst us, who is a liver specialist in Manipal Hospital, Dwarka. So hi Dr. Lafage, we welcome you on this discussion. So sir, हमको आपसे ये पूछना था कि हम चाहते हैं कि आप हमें enlighten करें इस चीज को लेके कि hepatitis है क्या? Welcome you all on this World Hepatitis Day. So hepatitis, hepa means liver. So hepatitis मतलब होता है कि किसी भी liver में जब भी कोई सूजन हो, कोई inflammation हो, उसको हम hepatitis कहते हैं. इसके कई कारण होते हैं. जैसे common कारण सबको पता है alcohol. Alcohol से liver में सूजन हो सकता है. मोटापे से liver में सूजन हो सकता है. और कुछ viruses हैं, उससे liver में सूजन होता है. जो वायरस से लिवर में सूजन होता है उसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं. तो कॉमनली वैसे तो बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन जो कॉमन जो लिवर स्पेसिफिक वायरसेस हैं वो हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई, इनसे जब होता है तो उसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं. अच्छा सर, कैन यू प्लीज जस्ट ब्रीफ अस अबाउट मोर अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस एंड टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस. हां, तो जैसे मैंने आपको बताया ये पांच तरह के वायरल हेपेटाइटिस होता है. हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई. इसमें दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस. तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है. एक्यूट हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस है जो 6 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाता है. इसमें बचपन में जो चिल्ड्रन में जो कॉमन होता है वो हेपेटाइटिस ए होता है. वहीं दूसरी ओर जो एल्डरलीज में कॉमन होता है वो हेपेटाइटिस ई होता है. ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम में, हफ्ते दो हफ्ते में. कुछ पेशेंट्स में ये काफ़ी रिस्की और जानलेवा हो सकते हैं जब ये एक्यूट लिवर फेलियर की तरह प्रेजेंट करते हैं. इस एक्यूट लिवर फेलियर में लिवर एकदम से पूरा फेल हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है और इतना खराब हो जाता है कई बार हमें अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है. बट ये कम होता है मैक्सिमम केसेस में, अराउंड 90-95% केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है. पेशेंट्स बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के पूरी तरह ठीक हो जाएगा. वहीं दूसरी ओर जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और हेपेटाइटिस डी है, ये जो होते हैं ये क्रॉनिक डिजीजेस करते हैं. क्रॉनिक डिजीजेस मतलब वो लंबे सिरे तक चलता है, उसका 6 महीने से ज्यादा कई बार लाइफ लॉन्ग इसका डिजीज रहता है. और जब ये लाइफ लॉन्ग रहता है, अगर ये सिर्फ हेपेटाइटिस स्टेज में है तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इससे सिरोसिस हो जाता है. सिरोसिस मतलब होता है कि लिवर सिकुड़ गया है, छोटा हो गया, परमानेंट डैमेज हो गया, तो उसमें फिर एंड स्टेज लिवर डिजीज हो जाता है और उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं. उसके बाद पेट में दर्द, फूकना, लगना, उल्टियां होना और धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली जॉन्डिस हो जाता है. जॉन्डिस में आंखें पीली हो जाती है, पेशाब पीला आता है. जब जॉन्डिस आने लगता है तो बुखार उतर जाता है और फिर कुछ दिनों तक ही बुखार रह सकता है. कभी कभी कुछ केसेस में खुजली वगैरह भी हो सकती है. तो जैसे मैंने बताया, 1-2 हफ्ते में ये जॉन्डिस ठीक हो जाता है और पेशेंट पहले की तरह नॉर्मल, फुल नॉर्मल, पूरा लिवर एकदम ठीक हो जाता है. वहीं जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है जो हेपेटाइटिस बी सी डी है, अगर वो इट रेंज करता है, डिपेंड कि कौन से स्टेज में है पेशेंट. अगर पेशेंट को कुछ खास नहीं है, सिर्फ फैटी लिवर है या तो वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी. वो एक रूटीन टेस्ट कराने जाता है तब उसे पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव. हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, उनका ब्लड डोनेशन के लिए गए, ब्लड डोनेशन के से पहले स्क्रीनिंग किया जाता है, तो उस समय उन्हें बताया जाता है कि इन्हें हेपेटाइटिस बी, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती. तो ऐसे में हमें देखना होता है कि उसको इलाज की जरूरत भी है कि, लेकिन दूसरी ओर जब पेशेंट का बहुत ज्यादा लिवर खराब हो जाता है, जिसे हम क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस बोलते हैं, तब उसके लक्षण आ सकते हैं. जैसे उसमें पेट में पानी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, खून की उल्टी हो सकती है, पेशेंट बेहोशी में भी जा सकता है. तो इट्स वेरी रिस्की एंड डेंजरस एंड डिपेंड्स ऑन किस स्टेज में है लिवर. अगर वो ज्यादा लिवर डैमेज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको वायरस ठीक करना है, ऑपरेशन ठीक हो जाएगा.
और अगर वो बहुत सिवियर हो गया तब तो हमें पूरा लिवर को जैसे एक क्रॉनिक लिवर डिजीज का है उसकी तरह उसको इलाज करना होता है। ओके सर, हाउ कैन वी प्रिवेंट हेपेटाइटिस? प्रिवेंशन बहुत आसान है, लेकिन यही क्योंकि लोगों को ज्यादा जागरूकता नहीं है इसलिए होता नहीं। हेपेटाइटिस ए और ई जो एक्यूट हेपेटाइटिस है वो हमारे देश में, बाहर के देश में बहुत कम होता है, ये हमारे देश में ज्यादा है क्योंकि ये खराब खाने पीने की वजह से होता है। तो इट इज वेरी मच रिलेटेड टू योर अनहाइजेनिक फूड वाटर। तो हमें और स्पेशली जो मॉनसून है, जैसे अभी मॉनसून आ रहा है उसमें इसके इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी कुछ जो खाना खाएं, जो भी पानी पिए, साफ जगह से हो, कटा हुआ सब्जी, कटा हुआ नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब बिल्कुल नहीं लेना होता है। अच्छे से खाना जो भी सब्जी है उसको धो के लें। और हेपेटाइटिस ए के लिए स्पेशली बच्चों में जो होता है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो बच्चों में ही लगाया जाता है। दो डोजेज होते हैं उसके जो कि सबको लगना चाहिए। अभी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ही है और हर बच्चे को वो लगना चाहिए। वहीं जो हेपेटाइटिस बी और सी है इसके कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो ब्लड से होता है और बॉडी फ्लूइड से होता है। तो उसके लिए ध्यान ये रखें कि एक तो जैसे नीडल्स हैं शेयर नहीं करने चाहिए, तो इसीलिए इसका जो इंसिडेंस है वो काफी जो ड्रग यूजर्स हैं उनमें काफी कॉमन है। इतना कॉमन है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा पंजाब में उड़ता पंजाब करके जो आया था जो कि हाईवे ड्रग यूजर्स में हुआ था, तो उसमें यही है कि नीडल शेयर करते हैं लोग, उससे उन लोगों को हेपेटाइटिस सी के चांसेस बहुत बढ़ गए। इतना हो गया था कि एक तरह के पूरे पूरे गाँव हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त हो गए थे और उसके लिए इवन पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री दवाइयां उनको करी क्योंकि इतना ज्यादा इंसिडेंस हुआ प्रेवलेंस था। तो एक तो ये नीडल से हो जाता है, दूसरी ओर ऐसा भी है जैसे गाँव में या किसी छोटी जगह में अगर प्रॉपरली नीडल स्टेरलाइज नहीं किया जाए, जब लोग इंजेक्शन लगाते हैं क्वैक्स के पास चले गए या किसी उसमें चले गए, वो लोग क्या है एक ही इंजेक्शन से दो तीन लोगों में इंजेक्शन लगा दिया, उससे अगर एक को हेपेटाइटिस बी या सी है वो दूसरे को हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि नीडल शेयर नहीं होनी चाहिए, आईवी नीडल शेयर नहीं होनी चाहिए, रेजर्स हमेशा शेयर नहीं होना चाहिए, फ्रेश यूज होना चाहिए स्पेशली जब बाबर्स के पास हम जाते हैं, टूथब्रशेस नहीं होना चाहिए, टैटू इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स, तो टैटू में जो नीडल्स यूज होते हैं दैट शुड बी स्टरलाइज्ड एंड शुड नॉट बी रीयूज। दूसरा जो कॉज है सेक्सुअल रूट से हो सकता है, तो उसमें सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस सबको समझानी चाहिए और प्रिवेंटिव जो कॉन्डम्स वगैरह है उसका यूज होना चाहिए। तीसरा हमारी कंट्री में स्पेशली हेपेटाइटिस बी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये वायरस माँ से बच्चे में चला जाता है, अराउंड 90-95% पॉपुलेशन में ये वायरस माँ से बच्चे में जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले हर माँ का ये जांच होना जरूरी है और अगर उसको हेपेटाइटिस बी पाया गया है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए वरना बच्चे को हो जाएगा। और बचपन में अगर ये वायरस मिल गया माँ से तो उसको सारी उम्र हो रहेगा, उसके बाद वो क्रॉनिक बन जाता है, उसको हम चाहते भी मतलब शरीर से नहीं निकलता। तो ये सब एक तरीके हैं जिससे हम वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसमिशन। डॉक्टर लवकेश, इसमें एक मिथ्स होते हैं कुछ घरेलू नुस्खे यूज करते हैं हेपेटाइटिस में, तो ये सच है कि उससे ठीक होता है या फिर नहीं? देखिए ये अनफॉर्चुनेटली इवन एजुकेटेड लोगों में देखा गया है, काफी नुस्खे आजमाते हैं, जैसे ही जॉन्डिस होता है उस मरीज को उबला खाना देना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं कि पीली चीजें नहीं लेनी, हल्दी नहीं लेना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, हल्दी लेने से कुछ नहीं होगा, पीला कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, और रादर उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट देना है, उसको उबला हुआ खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसको मूली ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है, गन्ने का रस या ग्लूकोज ये सब ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेना चाहिए, साफ सुथरा लेना चाहिए, जो वो टॉलरेट करे वो सब खाना चाहिए। रादर जब क्रॉनिक डिजीज हो जाती है तो अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं खाना तो उससे तो उसका और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है और बीमारी और बढ़ जाती है। तो इसलिए और एक और जो है कि हमारे यहाँ पर जब भी जॉन्डिस होता है सबसे पहले कोई धागा बनवाने या कोई जड़ी बूटी खिलाने इसमें ले जाते हैं, और हमने ऐसा कई बार देखा है कि ऐसा अगर प्रॉपर नहीं मिला है उससे ज्यादा और खराब होके आता है पेशेंट, उसका लिवर और डैमेज हो जाता है, जो बीमारी स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई एक दो हफ्ते में ठीक होना होता है वो महीनों लग जाते हैं ठीक होने में और कुछ केसेस में वो ठीक भी नहीं होता। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी को कोई जॉन्डिस हो,
कोई ऐसी दिक्कत हो वो अपने पास के एक लिवर स्पेशलिस्ट के पास या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाए और इन सब नुस्खों को ना आजमाए और अपने जिंदगी से अपने लिवर के साथ ना खेले। काफी सारे लोग इससे मर सकते हैं। You'd be surprised to know that around 1.34 million people worldwide die every year because of this viral hepatitis. और unfortunately 300 million people are still unaware कि उनको किसी टाइप का हेपेटाइटिस है, बी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और इम्पॉर्टेंट टू नो इज कि ये जो हेपेटाइटिस बी है इज लार्जली प्रिवेंटेबल। वी हैव वैक्सीन्स अवेलेबल नाउ फॉर हेपेटाइटिस बी और उसके तीन डोजेज लगते हैं। एक बेसलाइन है जैसे उसको डोज जीरो बोलते हैं, एक एक महीने के बाद और एक छह महीने के बाद जो कि डोज सेकेंड डोज होते हैं 0, 1, 2। ओके, तो इन तीन डोजेज जिसको मिल जाते हैं उससे वायरस जो है अराउंड 90-95% केसेस में आदमी बच सकता है इस वायरस से। और अभी तो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है तो अभी सब बच्चों को ये वैक्सीन मिल जाता है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज अगर आपको वैक्सीन नहीं मिला है सबको इसके तीन डोजेज जरूर लगवाने चाहिए। दूसरी ओर जो हेपेटाइटिस सी है उसके लिए वैक्सीन नहीं है लेकिन उसके लिए अच्छी मेडिसिन आ गई है जिससे 3 महीने में ही वायरस पूरा गायब होता है। तो अगर हम इसको सही टाइम पे इसको हम डिटेक्ट करें और फिर उसको ट्रीट करें तो उससे हम काफी खराब लिवर डिजीज से बच सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अराउंड 2/3 ऑफ द लिवर कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ दिस वायरल हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस बी। आफ्टर टोबैको जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ प्रिवेंटेबल थिंग विच कैन कॉज कैंसर, हेपेटाइटिस बी इज द सेकंड मोस्ट कॉमन थिंग। सो इसीलिए WHO ने इसको एक ग्लोबल एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी इसकी अपनाई थी 2016 में और गोल ये है कि 2030 तक हमें ये वायरल हेपेटाइटिस से हटाना है। इसको इसी दिन क्यों चूज किया गया, इसके पीछे है मिस्टर बारुच ब्लूमबर्ग जो कि हु इन्वेंटेड दिस वैक्सीन एज वेल एज द वायरस, और उनको ऑनर करने के लिए ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को किया गया। और मोटो जो है इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल सो दैट दे कैन प्रिवेंट देमसेल्व्स एंड दे कैन वी कैन अर्ली डिटेक्ट देम। हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए सबकी, और जिससे कि मास स्क्रीनिंग से जो अनडिटेक्टेड लोग हैं उनको हम पकड़ सकें और उनके जो खराब डिजीजेस फ्यूचर में होना है उनको प्रिवेंट कर सकें। सो द मैसेज नाउ इज बी अवेयर, इम्प्रूव योर लिवर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी।